तेरे सुन्नत की जब भी सवारी चले, देवबंदी के सीने पे यारी चले, जब बन के रजा की कटारी चले, जब बन के रजा की कटारी चले, जब बन के रजा की कटारी चले, तो सास भी देवबंदी की भारी चले, सास भी देवबंदी की भारी चले। हेलो हेलो, सलाम वालेकुम जी। कौन भाई? जी हम समीर बोल रहे हैं। जी समीर बोल रहे हैं। समीर भाई कहाँ से? झारखंड से। झारखंड से। अच्छा जी, आपका मसलक? मेरा मसलक है देवबंदी। देवबंदी? हाँ। अच्छा जी बोलिए। कब जवाब नहीं दिए सलाम का? सलाम किए तो जवाब नहीं दिए। जी हाँ। आ? नहीं दिया। क्यों? तो देवबंदी का तर्जमा बता दीजिए, माना बता दीजिए, मतलब बता दीजिए क्या है। नहीं नहीं, आप जो YouTube में पूरा एकदम मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के इतना बड़ा बड़ा बुजुर्ग जो आप तोहिन कर रहे हैं, मैं मौलाना कासिम नानोत्री की, सब के बारे आप जानते हैं कुछ? मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जानते तो फिर पैसा पूरा YouTube में पूरा गंदगी फैला के रख दिए। हाँ, उनकी जो गंदगी थी ना छुपी हुई, उसको मैंने उजागर कर दिया है। सुनिए ना, कोई छुपी हुई नहीं, आप जिस तरह कर रहे हैं ना, हाँ ये सही बात नहीं है। ये सब जाहिलों का काम है, आलिमों का काम नहीं है। कौन कह रहा है? हम बोल रहे हैं। तो आपके कहने से हो जाएगा? कहने से क्या, आप जहाँ पास आप दलील दे, क्या सोच रहे हैं? हम सब सही दलील दे रहे हैं क्या? आप मुफ्ती साहब हैं? नहीं नहीं, हम जो बोल रहे हैं आप एक भी दलील सही दे रहे हैं क्या? हम यूट्यूब में आपका वीडियो देख रहे थे क्या, जो कहीं से भी आप उठा के बोल सकते हैं क्या? एक हवाला गलत साबित करने वाले को 5,000 का नकद इनाम है मेरी तरफ से। एक हवाला मेरा गलत साबित करो। नहीं, कौन सा किताब में मौलाना अशरफ अली मेरा एक हवाला गलत साबित करो, और जितने हवाले गलत साबित करोगे 5,000 के हिसाब से हिसाब जोड़ के पैसे ले जाओ। आप चीज के बारे में देख रहे हैं, ऐसा करके रख रहे हैं आवाम को और ज्यादा इधर से उधर कर रहे हैं लोग। मैंने सिर्फ एक ही बात कही है, हवाला गलत साबित करो। अगर मैंने कोई झूठ बोला है तुम्हारे मौलवियों पर, तो 5,000 के हिसाब से ठीक है मेरे हवाले गलत साबित कर दो और पैसे ले जाओ अपने गिनती करके। नहीं, हम आपको बता रहे हैं क्या, जो इतना जो हो रहा है, आप हर जगह बोलते हैं, हर आदमी जो सुन्नी लोग बोलता है, क्या कवाली करना जायज है क्या? क्या करना जायज है? बोलो, कवाली करना जायज है क्या? कवाली? हाँ आ रहे कवाली पे। अरे मैं तुम्हारे घर का कुफ्र दिखा रहा हूँ, तुम कब्बाली पे जा रहे हो। आप लोग हमारे आला हजरत ने तो मना किया है, 12 रबीउल अव्वल कब मनाना चाहिए। तुम हो कौन पहले ये बताओ? मुफ्ती हो, मुफक्किर हो, मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो, मौलवी हो, कौन हो? कुछ अच्छा आप तो बता रहे हैं, आपको हवाला में देंगे। अरे तुम हो कौन पहले ये तो बताओ, कम से कम बात करने में मजा तभी आएगा। बात करने में क्या लग रहे हैं? अरे यार बताओगे तभी तो पता चलेगा कि क्या लग रहे हो। मैं ऐसे बता दूं क्या लग रहे हो? जिस पर आप लोग कर रहे हैं ना, ये आवाम को इधर उधर करने के चक्कर में लगे हुए हैं ना। मिट्टी उठी क्यों लगी हुई है? ना थोड़ा सा शर्म कीजिए, क्या हम कर रहे हैं? अरे शर्म तो तुम करो यार, बेगैरत जमात है देवबंदी के साथ। शर्म है या सब जमात वाला क्या लोग बुरा भला चाहता है? अच्छा ये बताइए क्या मर्द लोगों में शादी होती है क्या? दोनों मर्दों में तुम्हारे मौलवी कासिम नानोत्री और कासिम ये रशीद अहमद गंगोई दोनों आपस में निकाह करते हैं, और निकाह करके एक दूसरे को वही फायदा पहुंचाते हैं जो कि मियां बीवी को पहुंचता है। ये कहां से जायज है? नहीं नहीं, आप जिस तरह करके रखे हैं। अरे फिर वही बात, मैं कह रहा हूँ कि एक हवाला गलत साबित करने वाले को 5,000 रुपए का नगद इनाम मेरी तरफ से। जितने हवाले गलत साबित करो उसके हिसाब से 5,000 से हिसाब जोड़ लो, ठीक है, पैसे ले जाओ। और अगर सही है हवाला
गलत नहीं है, झूठ नहीं है, तो तौबा कर लो, बात खत्म हो गई। तौबा करेंगे हम, सुनने जी लगता कितना बड़ा, एक भी काम बढ़िया करेंगे तब ना आदमी जाने लगता सुन्नी लोग बढ़िया काम करता है। अरे तो मुक्ति साहब, ओ मुक्ति साहब, आपने कहा ना कि तुम झूठ बोलते हो, तुमने सब झूठ बोला है, क्यों ये ऐसा कर रहे हो। अरे तो एक हवाला मेरा गलत साबित करो, 5,000 के हिसाब से हिसाब जोड़ लो, जितने जितने हवाले गलत साबित करोगे उसके हिसाब से पैसे ले लो, वरना तौबा कर लो। यूट्यूब में कैसे डाल देते हैं, कोई फोन पे बात करता है तो जो तुमसे बात कर रहा है ये भी यूट्यूब में जाएगा तुम्हारे नंबर के साथ। एक हवाला गलत साबित करके बताओ क्या व्यक्ति ने उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहे। क्या हुआ मुक्ति साहब? मुक्ति साहब, हाँ जी मुक्ति साहब, अरे इधर भी जवाब दे दो मुक्ति साहब। मुसलमानों, इन देवबंदरों से बचो और अपने ईमान की हिफाजत करो, वरना अगर आप इन लोगों से नहीं बचे तो आपका ईमान खतरे में पड़ सकता है। इनमें कोई भी देवबंदी छोटे से लेके बड़ा तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं है जो हम सुन्नी हनफी मुसलमानों को, हम सुन्नी हनफी बरेलवियों को गलत साबित कर दे, हमको कोई काफिर या मुशरिक साबित कर दे। ये मेरा दावा है, शरीयत के खिलाफ हमारा कोई भी अमल, कोई भी हमारा अकीदा जो है ये दिखा दें। हाँ मुफ्ती साहब कहाँ चले गए? बस इतनी ही औकात थी तुम्हारी? कॉल कट कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी काम में हूँ। हेलो, किसी और का कॉल आ गया, जब तक मैं उसको लाइन पे जोड़ता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? जी मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। जी आपका मसलक? जी मेरी मसलक है बरेली। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी आपका नाम हजरत? जी मेरा नाम हुआ एमडी शुएब। अच्छा एमडी शुएब, मोहम्मद शुएब। जी 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 फरमाइए हजरत। जी हजरत मसला ये है कि जैसे कि मैं नमाज के बाद कुरान पाक का तिलावत करता हूँ। अच्छा, तो कुछ जमात ऐसी है कि तो उससे हमको तो उससे उस जमात से कुछ वाकिफ नहीं है, लेकिन वो कहता है कि कुरान से ज्यादा जरूरी है गश्त में बैठना। काय में गश्त में बैठना? हाँ कुरान तो नहीं पढ़ना है, गश्त में बैठना है। अच्छा तो तब्दीली जमात वाला है ना? जी 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 जी, उस तब्दीली जमात वाले से मेरी बात करा दीजिए जरा। इंशाल्लाह वो अभी तो है नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आपसे बात करवा दूंगा मैं। अच्छा अच्छा, हाँ। और जैसे कि मतलब कि हम लोग जो अपना जो मसलक के नमाज जो जैसे कि हमारे अलग सा है एक मस्जिद, उसमें हम लोग नमाज पढ़ते, तो इन लोगों का कहना है कि आप लोग जहन्नमी हैं और हम लोग जन्नती हैं, इसका फैसला ये लोग करते हैं। कौन है, कौन है वो, कौन है ऐसा कहने वाला? वही हम आपको जी, मतलब ये कोई अलग बंदा है या वही बंदा है? वही बंदा है, वही बंदा है जी। इसके मुंह में बरेली शरीफ का बांस डालो। नूर भाई बांस में डालिए, बात तो सुनिए। हाँ बोलिए। तो एक मिनट हजरत, एक मिनट, कोई देवबंदी लाइन पे आया है। हाँ जी बोलिए, आपका नाम क्या है? जी वही हजरत जो आपने एक घंटे की रिकॉर्डिंग करी है और आपने यूट्यूब पे चला दी उसे, और आपने झूठ हम पर मन दिया कि हम दरोगा बोल रहे हैं। अच्छा मुफ्ती अब्दुल रहीम बोल रहे, मुफ्ती अब्दुल रहमान बोल रहे हो? जी भाई ऐसा झूठ। अरे तो तुमने तो खुद ही बताया था ना कि दरोगा है, इंस्पेक्टर है, ये है वो है। इंस्पेक्टर दरोगा होता है? इंस्पेक्टर दरोगा होता है? अरे मुझे क्या पता कौन होता है, तो जब नहीं पता तो झूठ तो मत बोलो ना। अरे हम तो यार ये जो लाइन पे लेकर आया है इसके बस की बात नहीं रही क्या बात करने की? जी ये जो आपको लाइन पे लाया है इसके बस की बात नहीं रही? नहीं, या तुमने ही मुझे कॉल किया था?
ये आपका झूठ। अरे तुमने ही तो बोला था ना मैं इंस्पेक्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ। कॉल आ रहा था इसीलिए बोले कि मैं लाइन में उठा रहे फोन, ये नहीं बोले ऐसे। सुन तो लो भाई। जी जनाब, मुफ्ती साहब बोलिए। इंस्पेक्टर और दरोगा में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा अच्छा, तो आप ऊंचे हैं कि दरोगा ऊंचा है? नॉलेज ही नहीं है जी। अरे क्या बोल रहे हो आप, ऊंचे हैं या दरोगा ऊंचा है? नहीं मैं दरोगा। ऐसा तो नहीं कि दरोगा कह के मैंने दरोगा लिख के तुम्हारी बेइज्जती कर दी? नहीं तो गलत लिखा है ना आपने, झूठ लिखा है ना। तो इंस्पेक्टर लिखा जाता ना, इंस्पेक्टर लिख दूं? इंस्पेक्टर लिख दूं, इंस्पेक्टर और दरोगा पुलिस। झूठ है इनके इनके बरेली में। माजल्ला लानतुल्लाह यार लड़का, तुमने दरोगा बताया था ना उस दिन, झूठ क्यों बोलते हो? शर्म नहीं आती आपको झूठ बोलते हुए यार दरोगा साहब? नहीं बताया था। अरे मैंने उस वाली रिकॉर्डिंग में भी कहा था कि तुम दरोगा बोल रहे हो, तो बोले हाँ हाँ दरोगा बोल रहा हूँ। दरोगा कहते हैं पुलिस स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को। सुपरिटेंडेंट का मतलब जानते हो? सुपरिटेंडेंट? हाँ जानता हूँ। क्या होता है सुपरिटेंडेंट का मतलब? थाने में जो दरोगा रहता है, जो जिले में काम करते हैं, कई सारे दरोगा होते हैं। वर्ड जो है ना सुपरिटेंडेंट, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ सुपरिटेंडेंट क्या मतलब होता है, उसका अंग्रेजी का वर्ड है सुपरिटेंडेंट। अरे तो तुम्हें पता होगा ना कि इसका क्या वर्ड है, मैं कोई इंग्लिश पढ़ा हुआ हूँ। इंग्लिश पढ़े हो ना। बहरहाल तुमने अपने आप को दरोगा बताया और मैंने डाला उसको लिखा। भागो मत यार। नूर हसन भागने वाला में से नहीं है, ठीक है? और जिन लोगों में तुमने, आप बहुत बड़े अमीर आदमी हो सकते हैं, बहुत बड़े ओहदे वाले हो सकते हैं, मगर ईमान और अकीदे में अल्हम्दुलिल्लाह बैंड बजा के रखूंगा तुम्हारे वजह से, मुफ्तियों की और दरोगाओं की। भाई सामने बैठने की हिम्मत नहीं हो रही। हिम्मत तुम्हारे जैसे? अरे तो मैंने तो तुमसे कहा ना कि दारुल उलूम देवबंद से लिखवा लो कि तुम मुझसे बात करोगे ईमान और अकीदे पर। तुमने लिखवा के दिया अभी तक? एक महीना हो गया। तुम पहले लिखवाओ ना, तुम पहले लिखवाओ, लिखवा के तुझे दो हाँ मेरे दारुल उलूम देवबंद से लिख के आ गया है, इंशाल्लाह हम तैयार हैं हर वक्त। बात मैंने है? तुमने करनी है बात, बात? ना? तुम्हें करनी है ना बात, मुझे थोड़ी करनी है। मैं तो किसी को बोलता ही नहीं कि मैं तुमसे बात करूंगा। मैं कहा किसी को बोलता हूँ कि मैं तुमसे बात करूंगा? अरे उस चिल्ले के पिल्ले को छुपाओ, वो क्या बकवास कर रहा है, तुम बात करो। क्या बात करो? अरे उसे छुपाओ ना, वो कौन बकवास कर रहा है पीछे से? तुम बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ जी दरोगा साहब, इंस्पेक्टर साहब जी। हाँ अरे बात डाली है ना, गुफ्तगू डाली है ना, गुफ्तगू जाके सुनो कि तुम अपनी बातों से किस तरह फरार हो रहे हो। क्या फरार हो रहा हूँ? क्या फरार हो रहे हो? तुमने कहा मैं तुम्हारे 40 उलमा को जो है माज अल्लाह काफिर मुशरिक साबित करूंगा, तुमने किसी एक को भी काफिर। तुमने ऐसा है बौखलाहट के शिकार कम बनो, ठीक है? अपने दारुल उलूम देवबंद से इस्तीफा, अरे सुनो तो इस्तीफा लिख के भेज दो, और दारुल उलूम देवबंद से तुम अपना जो है बात करने का एक लेटर पैक मंगा लो, ठीक है? हाँ तुम कब दे रहे हो? मैं तो मंगाता हूँ। बात तुम मंगाओ ना पहले, फिर वही बात तुम मंगाओ ना। नहीं बताओ तुम्हारा क्या दावा है हमारे खिलाफ, ये बताओ। अरे तुम्हारे चारा काबिल काफिर है ये दावा है और क्या है? ये दावा है ना, और जो उन्हें उनके कुफर को जानते हुए, सुनिए चुपिए खामोश रहिए, खामोश मेरी बात सुनो, खामोश। क्यों खामोश? इसलिए कि मैं पहले पूरी बात कह दूं अपनी। तो कहीं का गवर्नर लग रहा है तेरी बात, तो खामोश हो जाऊंगा मैं। बात नहीं सुनेगा मेरी? तेरे अंदर 36 आते हैं और 36 बात नहीं सुनेगा तू मेरी? अपनी औकात पर रहकर बात, तू अपनी औकात पर बात किससे कर रहा है? तू किससे कर रहा हूँ? तू पूरी दुनिया का मिनिस्टर है, तुमने क्या कर देगा? आनी था तेरे आला हजरत की जबान पे आनी था, वरना 2 मिनट में सीधा कर दूं तेरे जैसा। किसे 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 सीधा कर देगा? हाँ किसे सीधा कर देगा? तेरे जैसा कब्र पुजारी को। ओ चिल्ले के पिल्ले, ये सीधा करने की बातें कर बंद। तेरी माँ ने दूध पिलाया मुझे, मेरे किसी अकेले से साबित करके देगा? अरे इसने माँ का थोड़ी पिया है, इसने मांगा नहीं पिया। अरे तूने चिल्ले का पिया, कितने का पिया है? इसने मांगा नहीं पिया। ओ नजदीकी नजायज इलाज इंस्पेक्टर,
कुत्ते मारने की धमकी देगा और तू मारेगा मुझे चिल्ले के पिल्ले तू मारेगा मुझे ओ चिल्ले के पिल्ले इंस्पेक्टर तू मारेगा मुझे किसने धमकी दी मारने की अरे तू बोल रहा ना ये कर दूंगा वो कर दूंगा सही कर दूंगा ये कर दूंगा है तेरे जैसे कितने चिल्ले के पिल्ले आए और चले गए समझा साले किसी को मार देना कोई कामयाबी नहीं होती की नजदीकी नाजायज मारने की धमकी देता है मारने की धमकी देता है मारने की किमरे अबे मारने की धमकी देता है कमीन किसी को मार देना किसी को सता देना किसी को दबा देना क्या यही है तुम्हारे धर्म में तुम्हारा बाप यजीद भी हमारे इमाम हुसैन से लड़ा था ना शैतानों हम हुसैनी हैं हुसैनी तुम्हारे जैसे चिल्ले के पिल्लों से डरने वाले नहीं है कुत्ते और ये अपना ओहदा किसी और के पास दिखाना नूर हुसैन के पास मत दिखाना कुत्ते नज़्द की नाजायज औलाद नूर हसन को बदमाशी दिखाता है साल्या औकात में रह के जी औकात में रह के कुत्ते नज़्दी तेरे चार अकाबिर काफिर हैं और मैं उसको काफिर साबित करूंगा इंशाल्लाह तू दारुल देवबंद से फतवा लिखवा के लेके आ इस्तीफा ले वहां से ऑर्डर ले मैं तुझसे बात करूंगा जहां तेरा दिल चाहेगा वहां बात करूंगा इंशाल्लाह मैं काफिर साबित करूंगा कमीना बदबख्त कहीं का बोलता क्यों नहीं है इंस्पेक्टर सारे आंख क्यों लग रही है तुझे 40 दिन में बना लेता है अलग अलग टाइम है हेलो ओ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर साला चिल्ले का पिल्ला अबे हम हुसैनी है हुसैनी नजदीकी नाजायज औलादो यजीदियों हुसैनियों को मत डराने की कोशिश करना कभी आग लग रही है इसको आग सारे को इसने खुद ही बताया था हाँ दरोगा हूँ इंस्पेक्टर हूँ कमीना बदबख्त कहीं का डराने की कोशिश करता है सारा अरे डरता तो मैं इस काम को ही क्यों करता है इस फील्ड में क्यों आता मैं अरे सालो तुम अगर हकीकत पर हो सच्चाई पर हो तो फिर हमें हमारे किसी भी अकीदे से गलत साबित करो ना हमारा कोई कुफ्र या शिर्क अकीदा साबित करो हरामी हो बोल रहा था कि तुम्हारे 40 फिल्मों को काफी साबित करूंगा शैतान का पुत्र ये शैतान लोग कभी सुधरने वाला नहीं है आप चला गया बस देखो फिर किसी का कॉल आया पता नहीं किसका है जहन्नम का फैसला तुम कौन होते हो बोलने लेने है? अच्छा जी क्या कह रहे थे हजरत आप वो तो चला गया आप बोलिए जी हजरत बोल रहा हूँ ना कि और एक बात थी हाँ मेरा दोस्त है ठीक है वो थोड़ा कम इल्म का है मैं भी उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ हाँ लेकिन ये लोग का चाल क्या है ना कि अक्सर उनके घर जाते हैं मतलब कि डेली मतलब कि ठीक ईशा के नमाज के बाद या सुबह सुबह अक्सर जाता है उसको छेड़ता है बोलता है कि चलिए जमात के लिए चलिए नमाज पर बेचारा स्टार्ट किया नहीं है और उसको कहने लगा कि आप जमात चलिए और वो गरीब आदमी बेचारा डेली कमाता है खाता है और जमात भी है हमसे पूछा कि देखिए ना ऐसा बात है वो हमको बात बार बार बोलता है कि चलिए जमात हम डेली खाने वाला आदमी है अगर हम एक दिन चल जाएंगे तो मेरा चूल्हा बंद हो जाएगा खाना बंद हो जाएगा जी। और ये चीज के लिए हम मना किए कि ये सिर्क है एकदम नहीं जाना है ये लोग शैतान है तो ये बात पता नहीं कैसे पता लीक हो गई है और ये देवबंदी लोग हमको धमकी देने लगे धमकी से डरने की जरूरत नहीं है उन शैतानों को बोलो हमारा कोई भी अकीदा कोई ऐसा साबित करो तुम जिससे हम काफिर मुशरिक होते हो अगर तुमने हमें काफिर मुशरिक साबित कर दिया तो हम तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हैं वरना मुंह में बरेली शरीफ का बांस डाल देंगे जी 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 हाँ तो किसी कमजोर इंसान को दबा देना डरा देना धमका देना ये कोई कामयाबी नहीं है वो लड़का जो जैसे चिल्ले का पिल्ला आया ये कर दूंगा वो कर दूंगा आया साला शैतान ये कर देगा वो कर देगा कैनू हसन को बिल्कुल हलवा समझ लिया है
जी और हमको भी धमकी देता है कि तुमको समझा देंगे, ऐसे कर देंगे, रुको रुको पता। अरे मेरे अकेले को तो कुछ कर देगा, और मुझे तो मौत से डर ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी मौत जो है वो किसी हुजूर के दुश्मन से लड़ते हुए आए। जी और बहुत ही मतलब अजीब टाइप का करते हैं, ऐसा लगता है कि अब हमको मेरा पूरा हावी हो जाएंगे इस तरीके से एकदम मेरा। बस वहाँ के किसी चिल्ले के पिल्ले से बड़े मुफ्ती से आप मेरी बात कराइए, आप बड़े से बड़े किसी अमीर से मेरी वहाँ के बात कराइए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ का बांस न डाला ना मुँह में तो फिर मेरा नाम नहीं बस। और आपकी तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा वो कमीना कभी भी। ऐसे चिल्ले बहुत आते हैं हजरत मेरे साथ, मतलब मेरे से टकराने के लिए। मैं नहीं डरता हूँ किसी भी शैतान से, मौत तो एक दिन आनी है, मौत बरहक है। मौत बरहक है, मौत से क्या डरना है। मौत तो मोमिन के लिए एक तोहफा है जो कि हमारे आका का दीदार कराएगी। मौत तो बरहक है, आजना का नाम ही है। हाँ तो वही बस हजरत पूछ रहा था, और ऐसा होगा तो फिर आपसे बात। बिल्कुल आपको जो टच करता है, जो आपको तंग करता है, ठीक है, बस आप मेरी उससे बात करा दीजिए। आप बोलिए कि मुझे ज्यादा इल्म नहीं है, मेरा ये एक दोस्त है, मेरा एक भाई है, ठीक है, इससे आप बात कर लो बात। और आप अपना व्हाट्सएप में नाम लिख के भेज दें ताकि मैं आपका नाम सेव कर लूं, ठीक है। फोन रखता हूँ मैं किसी काम में था हजरत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।